It's DW presents. Nobody, but a man's gotta eat. I done seen it all, tryna survive on these streets. My baby mama's buggin', cause the bills ain't paid. And the feds at my door, cause I miss the court date. And sometimes I wonder, will I ever see the light? But I know life's a match, and I ain't losing this fight. I gotta keep the hustle going, gotta keep my money flowing. I'm half dead, tryna see where I'm going. It ain't the best way to leave, but the streets are all I know. And I'ma be in street heaven when it's time to go. Oh, you think it's a game? Don't believe in the hype. You can call me a criminal, but I'm a thug for life. So before you try to judge me and say that I'm wrong, take a second to just listen to the words in this song. It's either said or done over here where I'm from. So they hold us down alone, but shoot if you run. You hear me? I'm trying to find a way, trying to keep my control of my case. You hear me? Yeah, easy, yeah. You hear me? I'm trying to find a way, trying to keep my control of my case. But they just don't understand. I done been through it all, trying to be a changed man. When all that's fair, it's the wrong way to go. So I turn back to hustling, cause it's all I know. I breathe, matter of fact, I eat and sleep. And every night I pray to God my soul to keep it. Cause I'm living my life not knowing what it is. So I gotta get my bread to keep my family fed. Y'all, I'm praying for help, cause I'm to the point now where I can't even trust myself. Oh, you think it's a game? Man, I'm trying to get my step. Just until my come and knock it on my front door. Throwing me down, putting locks on my wrist. तो बताओ ट्विच, लड़ाई किसने शुरू की? मेरा नाम है ट्विच और मैं चुगली कभी नहीं करता। मैं कुछ नहीं जानता। तुम डर गए? वो भी इनसे? तुम डरते हो तुम्हारे साथ ये क्या करेंगे? तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। मुझसे डरोगे तो खुश रहोगे तुम। देखो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सिर्फ अपना काम, सिर्फ अपना काम। बहुत खूब। देखो ट्विच यहाँ काफी समय से है और उसने काफी कुछ देखा है, जैसे वो कैदी जो यहाँ राज करना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी टिक नहीं पाया मेरे सामने। इस जेल में कोई नहीं जीत सकता मेरे सिवाय। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें क्रेटन भेज दूं? देखो, क्रेटन में तुम्हारे जैसे काफी लोग हैं जो अपने आप को काफी ताकतवर समझते हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को मेरी जेल से भी बड़ा समझते थे। तुम लोग ये नहीं जानते कि तुम सब काफी अच्छी जगह पर हो। हे, तुम जो सबसे डरते हो, तुम तो क्रेटन जैसी जगह पर दो हफ्ते भी नहीं टिक पाओगे। क्रेटन? वो शहर की सबसे खतरनाक जेल है, समाज के दिल में भी उस जेल का ऐसा डर है कि उसका नाम लेने से भी कतराते हैं वो। अगर मैं चाहूं तो किसी को भी तुम में से चुटकियों में वहां भेज सकता हूं। तो ये तुम सबके लिए चेतावनी है, अब जिसने भी लड़ाई या दंगा फसाद शुरू किया उसे बिना कोई सवाल जवाब किए सीधे क्रेटन भेज दिया जाएगा।
फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने ताकतवर हो। पिंजरों में डाल दो इन्हें, मुझे इन सब पर दया आ रही है। ए, चलो सब लाइन में खड़े हो जाओ, वापस जाना है अंदर, चलो। ए, जल्दी चलो। रेटन, वो तो मिसौरी में है ना? Addicted to the grind, 11 nines in my backpack. I'm with that crack cat, block bound with that Mac cat. Rise up, ace there, like Atlanta. California breakfast, stepping on this camera. कैसे हो ट्रिच? मैंने सुना तुम्हारी पैरोल की सुनवाई कुछ खास नहीं रही, लगता है तुम जल्दी बाहर नहीं निकलने वाले। बकवास बंद करो ह्यूबर्ट, मैं एक महीने में इस जेल से छूट जाऊंगा, देख लेना तुम। तुम यहीं फंसे रह जाओगे जबकि मैं सोना लेकर फरार हो जाऊंगा। गलत सोच रहे हो, मैं जल्दी बाहर निकल जाऊंगा। अच्छा, क्या इस द्वीप से तैरकर फरार होगी? मेरे पास बहुत रास्ते हैं। एक महीना ट्रिच, सिर्फ एक महीना। अच्छा, अगर तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा तो मार मार कर मैं तुम्हारा भूसा बना दूंगा। हेलो ट्विच, कैसे हो? पत्ते झेलोगे? मुझे शौक थी। अब मजा आएगा। ए, क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या चाहिए ट्विच? तुम्हारे मार खाने का वक्त हो गया है, चलो अब जल्दी उठो। पागल हो गए हो क्या तुम? आजकल तुम मेरे बारे में काफी अनाप शनाप बकने लगे हो। अच्छा, कोई सबूत है तुम्हारे पास? मुझे सबूत की जरूरत नहीं है। तुम क्या वकील हो? शायद तुम्हें इस चश्मे से ठीक से दिखाई नहीं देता। चश्मा वापस दो। नहीं दूंगा। हिम्मत है तो आकर ले लो, फिर मैं तुम्हें असली मजा चखाऊंगा। मैं एक महीने में छूटने वाला हूँ, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। अच्छा, पर मेरा बंदा लड़ेगा। बंदा? कौन सा बंदा? ठीक है, देखते हैं इसे भी। अरे ये छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, और तुम जाकर उस वार्डन से कह देना कि ये लड़ाई मैंने शुरू की थी। सुना तुमने मैंने क्या कहा? उससे कह देना कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कह देंगे। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, ग्रेटन में तुम लोगों का स्वागत है। DW प्रेजेंट्स। मेरा नाम वॉलेस है और मैं इस जेल का वार्डन हूँ। मैं खुद तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ ताकि ये बता सकूँ कि मैं बहुत सख्त हूँ। मेरी जेल, मेरे नियम। अच्छी तरह से सुन लो, कोई किसी से बात नहीं करेगा, अपने काम से काम रखेगा और नियम नहीं तोड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो और किसी से भी लड़ सकते हो तो समझ लो मैं तुम्हें कमजोर कर दूंगा, ये मेरा वादा है। समझ गए? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ये मेरा वादा है। जरा पास आओ, गौर से सुनो बच्चे। जानता हूं तुम मुसीबतें खड़ी करते हो, इसीलिए तुम्हें यहां भेजा गया है। आज के बाद तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मेरे ऑफिसर्स तुम्हें काबू में रखने के लिए तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, याद रखना। समझ गए? जैसे आपकी मर्जी बॉस। अब से तुम अपने काम से मतलब रखोगे और दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाओगे, ठीक है? देखो, तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूं। अब कहो तुम क्या कहना चाह रहे थे। मैं सिर्फ अपनी सजा पूरी करके जाना चाहता हूं। मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता हूं, तुम्हें याद रखूंगा। चलो अब अपने नए कपड़े और जूते उठाओ, मैं सबको अंदर ले जाओ। दूसरे कैदी
इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। इन पर ठीक से नजर रखना। अच्छा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये जानवर एक दूसरे को मारने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। कभी कभी तो सोचता हूं हम इन्हें रोकते क्यों हैं। सब क्या चल रहा है? वालमोसा को ज्यादा पैसे चाहिए माल लाने के लिए। क्या तुम्हें पता है वालमोसा को कितना पैसा मिलता है? दिल करता है उसे मार डालो। अपना मुंह बंद रखो। मुझे लगता है वो हमें धोखा दे रहा है। अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे? उसे संभालूंगा। संभाल सकोगे? तुम देखते जाओ। ठीक है। बैठना चाहिए भाई। क्यों नहीं बैठो? मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मेरे साथ चलो वरना ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए? हाँ। और उनके साथ नहीं? अगर मरना है तो जरूर जाओ। और अगर मैं अकेले बैठना चाहूं तो क्या होगा बताओ? तो फिर तुम्हें दोनों तरफ से लात पड़ेगी, एक उस तरफ से और एक इस तरफ से। मुझे नहीं लगता वो मुझे मारेगा। बर्क, उसके पास मत जाना। क्या? क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता। तुम्हें कैसे पता? वो मुझे जानता भी। बर्क एक ऐसा आदमी है जो किसी के बारे में नहीं सोचता अपने अलावा। वो किसी से नहीं डरता। वो अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़ता है। पर तुम तुम यहां एक मिनट टिक नहीं पाओगे। चलो, तुम्हें दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। ये देख रहे हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। बेजान हाथ छुपा कर रखो, समझे? चलो एंजल के पास। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है एंजल। मेरा नाम ट्विच है। तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं एले से हूं, छोटा सा शहर है। क्या कभी उसके बारे में सुना है? मेरे आदमी हैं वहां। मेरे नहीं। तुम घर से काफी दूर हो। ये एले नहीं है। हर जेल एक जैसी होती, क्या तुम्हें नहीं पता? है। हा? तुम्हें जेल की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? नहीं पता। कौन हो तुम? वॉलेस ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया? वॉलेस? वो तो यहां का वार्डन है ना। तो हाँ, उसे ऐसा लगता है यहां सब पर हुक्म चलाता रहता है। पर सच्चाई यह है, यहां मेरा राज चलता है। यहां पर काफी पहचान है मेरी। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या कोई परेशानी हो तो सीधे मेरे पास आना। इसके बदले में मैं सिर्फ तुम्हारी वफादारी चाहता हूं। यह सुनकर अच्छा लगा, पर मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन आएगा मार्क से। मार्क? एंजल की निशानी, हमारे गैंग की निशानी। क्या तुम्हारे पास कोई और निशानी नहीं है गैंग में शामिल होने की, जैसे ताश के पत्ते या कुछ और चीज? हमारे साथ हो? मुझे यहां आकर सिर्फ एक ही दिन हुआ है। तुम मुझे जानते भी नहीं, तो मैं कैसे पता कि मैं धोखा नहीं दूंगा? धमकी दे रहे हो मुझे?
देखो दोस्त, मेरे कहने का मतलब है या कि तो तुम हमारे साथ हो या कॉर्टेस के साथ। मैं किसी के साथ नहीं हूं। सुनो भाई, यहां एक लड़ाई होने वाली है। तुम्हें इस लड़ाई से सिर्फ यह निशानी बचा सकती है। मैं तो कहता हूं सबको इकट्ठा करके शुरू कर देते हैं। चलो सब वापस चलो, जल्दी चलो। सिर्फ थोड़ा ही समय बाकी है। कॉर्टेस का गैंग हम पर जल्द ही हमला करने वाला है। शांत सोच समझ कर बात करो। हम उन पर हमला कर देते हैं। हम लोग किस लिए रुके? अभी नहीं, अभी वक्त है। तो कब? जब मैं कहूंगा तब। समझे तुम जेटी? तुम अपने आप को मुझसे ज्यादा होशियार समझते हो है? देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉर्टेस यहां जेल में पैसों और गार्ड्स का इंतजाम कर रहा है, जबकि तुम सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे हो और किसी बेवकूफ आदमी के संदेश का इंतजार कर रहे हो। तुम देखकर नहीं चल सकते क्या? तुम देखकर चलो। लगता है बक, तुम्हें यहां के कायदे कानून सिखाने का वक्त आ गया है। क्या तुम सिखाओगे मुझे? हाँ, सिखाऊंगा। और अगर फिर भी नहीं समझे तुम, तो तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम माफी मांगने लायक भी नहीं रहोगे। सपने मत देखो एंजल। तुम कहां जा रहे हो बक? तुम मुझसे डरकर भाग नहीं सकते बक। तैयार रहना, एक दिन सबक सिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सौदा पक्का है ना? बोलो। सौदा पक्का है। ठीक है, दिखाइए मैम। ठीक है, आप जा सकते। तो तुम हो बक, यही नाम है ना तुम्हारा? यहां बैठो। मैंने तो सुना है कि तुम किसी भी गैंग का हिस्सा नहीं हो, बस अकेले ही रहते हो। तुम इन सबसे दूर रहते हो ना? एंजल तुमसे डरता है, कॉर्टेस भी तुमसे डरता है, तुम्हें पता? वो दोनों मुझसे भी डरते हैं, लेकिन मैं इन लफड़ों में नहीं पड़ता। तुम अकेले रहते हो, मैं भी अकेले रहना पसंद करता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कुछ ज्यादा नहीं करता, बस मैं इन सबसे दूर रहता हूं। और बक बक बंद करो। मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था दोस्त। मत करो। तो तुम जेल में कैसे आए दोस्त? क्या तुमने किसी का खून किया या फिर बैंक लूटा या कुछ और किया? मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता था हमेशा से। तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा। चुप रहो संदे। चुप रहो, ठीक है। इट्स DW प्रेजेंट्स। अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो कह दो, बस मेरी बात समझो। मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूं, और कुछ भी नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, वहां जाकर बैठ जाओ। आप नहीं मिलेंगे उनसे? उससे मुझे कुछ नहीं कहना है। ठीक है। बर्नार्ड मेरे साथ चलो। अपनी प्रेमिका से मिलने वाला हूं दोस्त, बहुत मजा आने वाला है। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, वैसे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। देखो तुम हमारी बातें मत सुनना, समझे? नहीं सुनूंगा। बोलो 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 मेरी जान, बोलो कैसी हो? तुम शांति से नहीं रह सकते, इसीलिए यहाँ मिसोरी में हो। पर ये तो अच्छी बात है ना?
अच्छी बात, करीब होते हुए भी इतने दूर हैं हम, और ये अच्छी बात है कह रहे हो तुम? जानता हूँ, पर मेरी बात सुनो। और अब तुमसे मिलने के लिए मुझे फिर से दो हफ्ते इंतजार करना होगा। और सह नहीं कर सकती बर्नार्ड, बस अब बहुत हो गया। तो मुझे बार बार बर्नार्ड क्यों बुला रही हो? देखो मुझे यहाँ बर्नार्ड मत बुलाओ, मेरा नाम ट्विच है, ट्विच, और अब मत भूलना ये नाम। ओ तुम इस तरह बात मत करो बर्नार्ड, मैं तुम्हारे बहुत नाटक सह चुकी हूँ। जब तुम उस मोटी औरत के साथ थे मैंने तुमसे एक शब्द तक नहीं कहा। वैसे भी तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? वो तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकती थी सिवाय मोटे बच्चों के। वो मोटी नहीं थी, वो मसल्स थे। ओ देखो मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो और मैंने हमेशा से सिर्फ तुम्हें दुखी दिया। हाँ, तुमने मुझे दुख के सिवाय और कुछ नहीं दिया है। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, मैंने तुम्हें अंगूठी दी थी ना। ये अंगूठी पता नहीं असली भी है या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम शादी करोगे या नहीं, पर अब ये शादी नहीं होगी। सुना तुमने, अब ये शादी नहीं होगी। ओ मॉम को ये सुन के बहुत दुख होगा। रुको रुको बेबी, मेरी बात सुनो। मुझे पता है मैं बहुत वादे करता हूँ। हाँ, तुम मुझसे बहुत वादे करते हो, जैसे मुझसे शादी करने का वादा। एक वादा था प्यार का, जेल से जल्दी छूटने का, लेकिन तुमने अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है बर्नार्ड, कभी नहीं। मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? सबसे पहली बात, मैं रिहा होने वाला हूँ शिरीज। कब? जल्दी। कैसी हो अमी? ठीक हूँ। हे अली, अच्छी लग रही हो। अपने बाल छोटे कटवाए हैं ना, अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। स्कूल कैसा चल रहा है? छुट्टियां हैं अभी। ओह अच्छा, बस बहुत हो गया बर्नार्ड, मैं जा रही हूँ। रुको बेबी, जरा सुनो, अब शांत हो जाओ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। देखो मैं रिहा होने वाला हूँ। हाँ मैं सिर्फ। झूठ मत बोलो बर्नार्ड, मेरी बात तो सुनो, समझो जरा। अब मैं जो करूँगा उससे हम हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है बोलो, लेकिन सोच लो, खबर अच्छी होनी चाहिए। अच्छी ही खबर है, मेरे पास एक प्लान है। एक प्लान? हाँ एक प्लान, जिससे हम दोनों अमीर बन जाएंगे। क्या कह रहे हो तुम? तुम जेल में बैठकर अमीर बनने वाले हो? ऐसी बेफिजूल बातें मत करो। अपनी जबान को लगाम दो और चुपचाप मेरी बात सुनो। मेरा इस जेल में आना प्लान का एक हिस्सा था। क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है मैं यहाँ पर आया हूँ जानबूझकर। तुम सच में पागल हो गए हो। मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ से निकलने में एक महीना बाकी है, समझे तुम? फरार होने वाले हो तुम? तुम धीरे बात नहीं कर सकती क्या? आ, 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 फरार मुजरिम से मैं कभी शादी नहीं करूंगी, और कोई नहीं चाहेगा उसके बच्चों का पिता एक फरार मुजरिम हो। देखो अब मैं जो करने वाला हूँ उससे हम दोनों बहुत अमीर बन जाएंगे। सच? सच बोल रहे हो क्या? एकदम सच, और फिर तुम्हें जो चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम घर लौटा। देखो मेरी बात सुनो बेबी, तुम चाहो तो इस जगह को मैं अपना घर भी बना सकता हूँ, प्यारा सा घर, और यहाँ पर हमें एक कमरा भी मिल जाएगा जिसमें हम एक साथ वक्त बिताएंगे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? सच? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ मैं, तुम जानती हो ना ये जगह मेरी, मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। ओ मेरा मतलब है क्या सच में हमें यहाँ कमरा मिल सकता है बेबी? हाँ बस सब ट्विच पर छोड़ दो। पर मैंने तो सुना है ऐसी मुलाकात के लिए ऑफिसर से इजाजत लेनी पड़ती है बर्नार्ड, और फिर शादीशुदा होना भी जरूरी है। कहा ना मैंने, ट्विच सब कुछ संभाल लेगा। सच? ओके। वाह क्या बात है, जबरदस्त। ऐसे मत देखो, चलो वक्त हो गया। ओके एक महीना। कैसे हो दोस्त? संभल के रहना। मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। क्या मतलब? मैं और मॉम डैलस जा रहे हैं। डैलस? हाँ, मुझे पता नहीं कि अब मैं आपसे फिर कब मिल पाऊंगी। ये तुम्हारी माँ का आइडिया है ना? प्लीज आप उन पर गुस्सा मत होना। ओके वैसे भी अगले साल मेरा कॉलेज शुरू होने वाला है और मेरे पास आपसे मिलने का वक्त नहीं होगा। साथ वक्त गुजारने के लिए आपको मेरे साथ होना चाहिए डैड, पर आप तो यहाँ जेल में बंद हैं। हालांकि आपकी गलती नहीं थी, पर क्या करें? मेरी आंखों में देखो अली, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं बेटा। जानती हूं। तुम इससे क्या करने वाले हो? एंजल की निशानी दे रहा हूं तुम्हें। पर मुझे नहीं चाहिए। डरो मत भाई। मुझे छोड़ दो। नहीं मत करो।
रुको, शेरीज मेरा इंतजार कर रही है। हनीमून सूट 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। मेरा प्रेमी मेरे लिए तैयार हो रहा है। मैं भी तैयार हूँ। आज तो वो मुझे देखकर पागल हो जाएगा, वो मेरे प्यार में पागल हो जाएगा। वाह, जेल में इतना अच्छा कमरा। मुझे देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हो? लगता है इसे मार खाने का बहुत शौक। सही कह रहे हो तुम। बच कर रहना। चलो चलते हैं। चलो बर्क, आज तुम कैफेटेरिया ड्यूटी पर हो। चलो जल्दी करो, थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? क्या हुआ लुइस? डिटेक्टर नहीं चल रहा है। क्या सच में? चलो, मेरे पास ना ही कोई हथियार है और ना ही कोई हथकड़ी, समझे? जल्दी करो यार, शिरीज इंतजार कर रही है। कपड़े उतार कर तलाशी लेंगे चले। हाँ, मैं कपड़े जरूर उतारने वाला हूँ, पर उधर अंदर, यहाँ नहीं। क्या हुआ बाप? मुझसे डर के कैफेटेरिया में आ गए? एक धमकी में यह हाल, आगे क्या होगा इसका पता नहीं। सिर्फ इसकी आंखें बंद करो, मत लगाना। बर्क को जो मारेगा उसे 10,000 मिलेंगे, उसे जान से मार दो। पर ये नहीं चल रहा है यार। हे, रुको, मैं जल्दी से मिलने जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज के बाद तुम्हें उसका चेहरा फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। बस कीजिए, मोमो मेरे डैड हैं। उसने कोई फर्ज निभाया है पिता होने का? यहाँ लड़ाई हो रही है, दरवाजे बंद कर दो। कैफेटेरिया में लड़ाई हो रही है। कैफेटेरिया में दंगे हो रहे हैं, सारे दरवाजे बंद कर दो। ठीक है सर। अभी लीजिए सर, अब चलो यहाँ से निकलते हैं। के हाथ देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने कुछ भी नहीं किया, समझिए तो। क्या तुम प्लीज इसे अभी खोलोगे? मैं नहीं खोल सकता, सारे जेल के दरवाजे बंद किए गए। बंद किए गए हैं? तुम यहाँ नहीं रुक सकती, चलो जल्दी जाओ यहाँ से। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। जल्दी जाओ यहाँ से, भागो। अली, अली, जल्दी भागो यहाँ से, भागो। छुप जाओ, अपनी जान बचाओ। तुम पुलिस नहीं हो, समझे मेरी बात को? मुझे छोड़ दो। भागो, भागो यहाँ से, भागो, भागो। नीचे झुको। ये क्या कर रहे हो? वह अपने एंजल को मार डाला। क्या कह रहे हो तुम? तो अब तुम क्या करोगे, मुझे मारोगे? नहीं, मारने की कोई वजह दोगे?
दरवाजे की चाबी। इस बात तो तुम बच गए, पर अगली बार मेरे सामने मत आना। पागल, तुमने देखा वो कौन था? नहीं, मैं नहीं देख पाया। ऑटोमेटिक सिस्टम बंद है। Ball constant like basketball and soccer. Proper cellar dweller, monster taking flight like helicopter propellers. Constant on the dark side of the trail like Constantine. I got a beam that punctures walls. I see through all your gimmicks like extra. Diamond, got a 35 major. Still rockin' at a league of foes. From your nose to your toes, pose and change your climate. जेल के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन सी ब्लॉक खुल गया है। कैसे खुल गया? उसे बंद कर सकते हो? कोशिश कर रहा हूँ, पर ये बंद नहीं हो रहा है। जल्दी वहाँ टीम भेजो। रिस्पांस टीम सी ब्लॉक में जाओ अभी इसी वक्त। रिस्पांस टीम सी ब्लॉक में जाओ। अब डी ब्लॉक खुल गया। कौन खोल रहा? क्या इमरजेंसी रिस्पांस टीम को वहाँ भेजू सर? जल्दी भेज दो। ठीक है सर। हजार मिलेंगे। तुम्हारे सिर पर जो इनाम है वो मैं लेकर ही रहूंगा। तुमने एंजल को मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगा। सुनो दोस्त, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पर ऐसा करने से वो रुकने वाला नहीं, वो हम दोनों को मार डालेगा। वो अपने आदमी पर गोली नहीं चलाएगा। वहीं रुक जाओ वरना इसे जान से मार दूंगा। जैसा ये कहे वैसा ही करो। अपना मुंह बंद रखो, इसने एंजल को मार डाला। मैं तीन तक गिनूंगा। एक, सर नीचे रख दो जेटी। दो, जेटी वो हमारा आदमी नहीं, वो नहीं है। तीन, वो यहां छुप नहीं सकता। ये जेल मेरी है। कितनी देर लगा दी तुमने बर्नार्ड? ओ लड़की, तुम गलत कमरे में आ गई हो, तुम्हारा कमरा उस तरफ होगा। क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? क्या तुम नहीं जानती यहाँ क्या हो रहा है? सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, यहाँ दंगे हो रहे हैं। हे भगवान, क्या ये सच है? हाँ ठीक है, हम यहाँ नहीं रुक सकते, ये दरवाजा लॉक नहीं होता है। मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगे, है ना? अगर अपना मुंह बंद नहीं किया तो मार दूंगा। मुझे तुम कातिल नहीं लगते। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मौत का इनाम 10 से 20 हजार कर दिया जाए एंजल को मारने के लिए, है ना? मैंने एंजल को नहीं मारा। अब जाओ यहाँ से, भागो।
पकड़ो इसे, ये तो एंजल का आदमी है। रिबेरा, देखो मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हाँ, तुम एंजल के चमचे हो ना? मैं तो उसे जानता तक नहीं। क्या नाम बताया? ओ, मुझे जाने दो दोस्तों, ऊपर वाले की कसम, मैं तो उसके पास सिर्फ अपना काम निकलवाने गया था। हा? इसके पास मार्क है। ओ, एंजल की निशानी, लगता है आज ऊपर वाला तुम्हारे साथ नहीं है। कैसे हो तुम बिग बॉस? तुम इसे दूर रहो, क्योंकि इसे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। ओ, वाकई नहीं है? नहीं। कॉर्टेस कहाँ है? कॉर्टेस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ से फरार हो रहा है। फरार? तुम यहाँ से निकल जाओ। अब तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? तू क्या यहाँ रुक कर इन सबसे लड़ना चाहते हो? अब जाओ। इसकी वजह से तुम बच गए, तुम सबको मारूंगा। दूर रहना तुम मुझसे। तुमने बहुत अच्छा काम किया बर, जानते हो एंजल को मार डाला तुमने, नहीं तो मुझे उसे मारना पड़ता। रिबेरा, तुमने उसे जाने क्यों दिया? मैंने जाने कहां दिया, हमारा काम गार्ड्स कर देंगे। भाई बात समझ ले। वो वाला दरवाजा देखो। देखती हूँ, सब बंद है, अब क्या करें? वाह वाह वाह, तुम दोनों यहाँ कहाँ से आ गई? छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। खूबसूरत और इतनी जवान। hey, कॉर्टेस, उन लोगों ने तो हमें, अरे वाह, तुम्हें ये खूबसूरत लड़कियां कहाँ मिल गई? नीचे हटो। छोड़ो मुझे। अरे यहाँ तो दो लड़कियां हैं, वो तुम्हारी है और यहाँ। नीचे हटो, कहा ना इसे छूना मत, समझ गए तुम? या तुम्हें समझाऊं? मैं सब समझ गया, समझ गया मैं। भाग जाओ, भागो यहाँ से। ठीक है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। देख लेना। एड्स DW प्रेजेंट्स। तुम दोनों मेरे लिए बहुत कीमती हो। अब चलो। दोस्त, अगर तुम हमारे बीच में नहीं आते तो मैं उन सबको बकवास बंद करो। द्विज, सब सोचते हैं कि मैंने एंजल को मारा है, वो बदला लेना चाहते हैं। मुझे मारने से पहले उन्हें अपने गैंग के आदमी को मारना पड़ेगा। देखो बर्क, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि वो मेरे भाई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ और किसी की परवाह नहीं करता, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चलो। लेकिन मुझे किसी की परवाह है। तुम्हें आज जेल में नहीं आना चाहिए था। अगर तुम इस कमरे से बाहर निकली तो मार डालूंगा। उसने दरवाजा लॉक कर दिया। हम दोनों को शांत रहना होगा, सब्र से काम लेना होगा। क्या हो रहा है ये सब? बिजली चली गई है वार्डन, पर थोड़ी देर में हम जनरेटर चालू कर देंगे। तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो तुम? यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही हूँ। मैंने टीवी पर देखा था कि ऐसे वक्त पर हमें जान बचाने के लिए चुपचाप इंतजार करना चाहिए। पागल मत बनो, इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, वो किसी भी वक्त वापस आ सकता है और हम में से किसी एक का खून भी कर सकता है। और अगर हम बाहर निकल गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो, लेकिन मैं तो बाहर जा रही हूँ। मान लो तुम यहाँ से निकल गई, फिर क्या? दरवाजे की उस तरफ तो तूफान मचा हुआ है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बाहर उन लोगों से बच पाओगी?
देखो तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं चुप है। रहो। बहुत अच्छे, बहुत अकलमंद हो। तुम्हें लगता है कि तुम इस दरवाजे को बिना चाबी के अपने हाथों से खोल सकते हो? तुम क्या सिर्फ मुझसे मार खाने का इंतजार कर रहे हो? हाँ, तुम पुलिस वालों से भी बेकार हो। और दूर हट जाओ मुझसे, मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम्हारे सर पे खून का इल्जाम है। मैंने एंजल को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? कॉर्टेस। कॉर्टेस? हाँ। ओह, अब मैं समझा। ये लड़ाई, ये खून खराबा, हाँ, ये सब कॉर्टेज और तुम्हारी चाल थी यहाँ से निकलकर भागने की। पर मेरे बिना नहीं जा सकते, मैं बहुत काम का हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पकड़े जाओगे? पकड़े जाओगे? मैं पकड़ा जाऊंगा? क्या बात कर रहे हो? बात चलो अंदर चलो, बात रुक जाओ, मैं चलो नहीं चाहता। अंदर चलो, बात गन नीचे करो। बस मिल गया, बस मिल गया, यहीं पर आए। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। रुक जाओ, रुको 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 रुको। इस बार तो तुम्हें छोड़ देते हैं, पर अगली बार नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। हाँ, अगली बार नहीं छोड़ेंगे। चलो चले, चलो चलो चलो, ठीक है छोड़ देते हैं, चलो देख लूंगा तुम्हें। डर गए कायर कहीं के। तुम्हें पता है मेरा मंगेतर बर्नार्ड से एक सेकंड में खोल देता। वो एक शातिर चोर है, पर थोड़ा बेवकूफ है, इसलिए पकड़ा गया। मैं बहुत सालों से उसका इंतजार कर रही हूँ। वैसे तुम किससे मिलने आई थी यहाँ? मेरे डैड से। कितने सालों से यहाँ है? 2 साल से वो यही है। अब मैं कोशिश करती हूँ। हे भगवान, उम्मीद करती हूँ कि बर्नार्ड ने अपने आप को किसी मुश्किल में ना डाल लिया हो। इन्हें क्या हो गया है? ये मरे हुए लग रहे हैं। ये मर चुके हैं। चलो यहाँ से, चलो। अरे वॉकी टॉकी तो उठा लेने दो। चलो यहाँ से। चेक पॉइंट पर वापस आओ। 2 गार्ड्स मर गए हैं। नहीं, कैमरा रिकॉर्डर्स के हिसाब से वो दोनों गार्ड्स आखिरी बार नया कैदी ट्विच के साथ देखे गए थे। सारे ऑफिसर्स कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करो, कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करो। सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर वापस आओ। ऑफिसर्स को वापस क्यों बुला रहे हैं? मैं उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने के लिए वापस बुला रहा हूं, ताकि उनकी जान को खतरा कम हो। सारे ऑफिसर्स कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करो, और गन रूम से हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट्स लो अपनी सुरक्षा के लिए। हेलो सर। क्या? लाइन 101 पर एक कैदी है। क्या? कैदी एलेक्स कॉर्टेज। लाइन ट्रांसफर करो। एलेक्स, कहाँ हो तुम? कहाँ से बात कर रहे हो? बेकार के सवाल मत करो, अब गौर से मेरी बात सुनो, वरना मैं और लोगों को जान से मार डालूंगा। अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी का भी खून किया है तो। शांत रहो। मुझे पहले से ही उम्र कैद की सजा है, दोबारा मुझे धमकी मत देना। कहां से बात कर रहा है ये बताना नामुमकिन है सर। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, गवर्नर को फोन करो, उससे कहो कि वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर जल्दी यहां आए, इसी वक्त। ऐसा करने की इजाजत नहीं है मुझे एलेक्स। वो नहीं आया तो कैदियों की जान ले लूंगा। तुम्हारे पास कौन से कैदी हैं? 2 खूबसूरत लड़कियां। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें उनकी परवाह नहीं। वॉलेस देर मत करना और हेलीकॉप्टर मत भूलना। विजिटर रिकॉर्ड्स देखो, पता करो अंदर कौन फंस गया है। जी, गवर्नर को फोन करो। हाँ सर, अभी करती हूँ। वार्डन को बुलाओ, मुझे यहां से निकलना है। हमने जेल बंद कर दिया गवर्नर, पर 2 सेल ब्लॉक्स को किसी ने खोल दिया है। पर ये हो कौन सकता है? हमें पता नहीं सर, मुझे लगता है कोई कैदी कंट्रोल पैनल तक पहुंच गया है। वो क्या चाहता है? कैदियों में खून खराबा हो रहा है, वो आपस में लड़ रहे हैं। क्या उन्हें रोका नहीं जा सकता? हम कोशिश कर रहे हैं सर, हमने इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स भेजी हैं, पर कुछ ऑफिसर्स मारे गए हैं सर। ओ नहीं वॉलेस, ये सब इलेक्शन के वक्त ही होना था। कितने ऑफिसर्स मारे गए? अब तक 3 ऑफिसर्स मर चुके हैं। ठीक है,
जो भी हो हमें ये सब किसी भी हालत में रोकना होगा और हमारे सारे लोगों को बचाना होगा, समझे? क्या यह खबर प्रेस तक पहुंची है? नहीं सर, अब तक हमने प्रेस को नहीं बताया। ठीक है, मेरे ऑफिस के लोग उनको संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। एक मिनट चार्ली, फोन करो एयरपोर्ट अथॉरिटी को और कहो कि हेलीकॉप्टर तैयार रखें, हमें 20 मिनट में निकलना है, ब्रिटेन जा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। जी सर। बताओ तुम्हें इस जेल में क्यों है? बताओ। क्या तुम्हें नहीं पता? सुनो, वो तीन लोग थे। ओ, वो सिर्फ लड़ाई नहीं थी, उन्हें लगा कि मैं कमजोर हूँ इसलिए उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। देखो मैं कैसे लड़ता हूँ। बकवास बंद करो, तुम लड़ नहीं सकते। चाहो तो तुम्हें भी मार सकता हूँ मैं। क्या मारता अगर चोट नहीं लगी होती। हे, अब झूठ बोलना बंद करो, बताओ तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया? मुझे मेरी मंगेतर शिरीज के पास जाना था। झूठ मत बोलो। नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी आंखें ऐसी है। हाँ, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया? मैं तैर नहीं सकता और मेरी पुरानी जेल तो एक द्वीप पर थी। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इस जेल में आए ताकि यहाँ से फरार हो सको? तुमने ठीक कहा, मैं पूरा पागल हूँ। पागल इंसान। ये रहा बात, इस बार छोड़ना नहीं इसे, जाने मत देना। पकड़ो। ए, रुको रुको, मत मारो। अब चलो चलो। खुला क्या? नहीं खुल रहा है, कोशिश करती रहो। कर तो रही हूँ, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। क्या पता वो कैदी कब वापस लौट आए। ये तो बहुत डरावना है, वहां से कैदियों को लोग मरते हुए देखते हैं। हाँ, मैं कभी नहीं कर पाती। क्या वहां से कैदियों को मरते हुए देखना? दरवाजा खोलना ही होगा, हमारे पास यही एक रास्ता है। तुमने भागने की कोशिश की, मैंने तुम्हें मना किया था ना? इसे बांधो। तुम पागल हो गए हो क्या? उसे क्यों मार रहे हो? मैंने कहा इसे बांधो। अच्छी बच्ची हो। ये जगह तो बिल्कुल मेरी पुरानी जेल की तरह है। एरिक, सारे ऑफिसर्स के पास ये होनी चाहिए। यस सर। रॉबर्ट, ऑफिसर्स के साथ जाओ और जेल का मुआयना करो। यस सर। ठीक है सब लोग, तुम लोग तैयार हो? यस सर। सुनो ऑफिसर्स, मैं तुम्हारा वार्डन बोल रहा हूँ। एक वक्त पर एक ही सेल ब्लॉक पर कंट्रोल करना, दो खतरनाक कैदियों को ढूंढना है। पहला है विलियम बर्क और दूसरा बर्नर्ड क्विच वॉशिंगटन। उन पर दो गार्ड्स के खून के आरोप। hey, क्या उसने मेरा नाम लिया? क्विच को यहाँ उसके पुरानी जेल से भेजा गया, शायद उन दोनों के पास हथियार भी हो। नहीं, हमने खून नहीं किया, इनसे बोलते क्यों नहीं तुम? उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश करना, अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें। ना, मुझे तो। तुम मुझसे बात नहीं करोगे ट्विच? पर मैं तो बेकसूर हूँ बर्क। हमें एक और मुश्किल का सामना करना है। एलेक्स कॉटेज नाम के कैदी ने कुछ विजिटर्स को बंधक बना के रखा हुआ है। यकीन से तो नहीं कह सकते कितने बंधक है, पर शायद दो विजिटर्स बंधक है। एक शरीफ कॉलोनी है। ए, ए, मुझे तो वो वॉलेस, क्या तुम सुन सकते हो? कौन बोल रहा है? मैं ट्विच बोल रहा हूँ। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? ए, सुनो, तुमने मेरे पीछे ऑफिसर्स क्यों लगा दिया? मैंने किसी का खून नहीं किया। लेकिन किसने कहा कि तुम खूनी हो? तुम मुझे खूनी बुला रहे हो? तुमने सारे ऑफिसर्स मेरे पीछे लगा दिए हैं, यहाँ सब तरफ लड़ाई हो रही है, लेकिन मैं बेकसूर हूँ। ठीक है, बेकसूर हो तो मुझसे आकर मिलो अभी। क्या क्या हो गया? तुम उससे नहीं मिलोगे। ट्विच, क्या तुम सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। तो क्या सोच रहे हो, आकर मिलते क्यों नहीं मुझसे? ट्विच, अच्छा क्या मुझे पागल समझते हो?
अगर हम वहाँ आए तो तुम्हारे गार्ड्स हमें पकड़ लेंगे। मैं तुमसे नहीं मिलने वाला हूँ। मेरे गार्ड्स तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे, मैं वादा करता हूँ। पहले तुम अपने ऑफिसर्स को बोलो वॉलेस कि मैं खूनी नहीं हूँ। सिर्फ इतना बताओ तुम कहाँ हो, हम बैठकर बातें कर लेंगे। तुम उसके पास नहीं जाओगे, समझे? बस बहुत हो गया, ये जेल तो बहुत ही बेकार है। बिच, चलो, चलो यहाँ से। बिच, क्या हुआ? चलो, चलिए सर। चलो इसे। दूसरी बंधक है एली बर्ग, कैदी विलियम बर्ग की बेटी। तुम उस तरफ जाओ, चलो जल्दी करो। वार्डन का आदेश है कि सब कैदियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। चलो जल्दी। हे रिवेरा, वो देखो चेटी और उसके चमचे इसी तरफ आ रहे हैं। बर्क कहाँ है? क्या मालूम। सच बोल रहे हो? मुझे कोई मतलब नहीं बात से। तुम्हें तो आराम से। इट्स DW प्रेजेंट्स। झूठ मत बोलो, कॉर्टेस कहाँ है? मुझे उसके बारे में भी कुछ पता नहीं, क्योंकि भागने के प्लान को लेकर उसने मुझे धोखा दिया, जानते हो? धोखा दिया उसने? हाँ, उसने बंधक बना रखे हैं, और जानते हो मैं से एक वर्क की बेटी है, मैं सही कह रहा हूँ? और वह उनका सहारा लेकर फरार हो जाएगा, तुम्हें ये बात पता नहीं थी ना? पकड़ो, भागो। ये तो फिर आ गए। जाओ दिखाओ उन्हें यहाँ किसका राज चलता है। वो आने ही वाले हैं। हम तैयार हैं, 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 तैयार हैं। मुझे लगता है जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ये लोग बहुत ही बेरहम हैं। वॉलेस से मिलके कुछ नहीं होगा, पहले कॉर्टेस को ढूंढना होगा। देखो मैं ये सब पहले भी देख चुका हूँ, इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं होता। तुम कहना क्या चाहते हो? द रॉक, न्यू अल्केट्राज, मेरी पुरानी जेल जहाँ मैंने 5 साल बिताए थे। उस रात बहुत बारिश हो रही थी और अचानक कहीं से जेल के अंदर एक हेलीकॉप्टर आ गया। हेलीकॉप्टर से लोग बाहर निकले और सब पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। कैदी और गार्ड सब मारे गए। उस रात बहुत लोग मारे गए थे। मेरा कहने का मतलब है कि उस कातिल रात को मैंने अपने सारे दोस्त खो दिए थे, सारे के सारे दोस्त खो दिए।
मुझे बताओ उन लोगों ने ऐसा किया क्यों? मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन बात को समझो तुम। उस रात कई लोग मरे थे और मैं नहीं चाहता वो दोबारा हो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब चलो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? ये सब कुछ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, समझ गया? हिलना मत बर्क। जीजी। हाँ तुम कायर हो बर्क, तुमने एंजल पर पीछे से वार किया। तुम गलत सोच रहे हो। हाँ, तो तुम्हें पता है मैं क्या सोचता हूँ? मैंने एंजल को नहीं मारा। अगर तुम मुझसे सच कह देते तो शायद मैं तुम्हारी इज्जत करता, लेकिन अब इस बात का फैसला तुम्हें लड़कर करना होगा। तुम जो करना चाहो करो। ये तो सिर्फ एक नमूना था, असली खेल तो अब शुरू होगा। मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके इस जेल के कूड़े में फेंकवा दूंगा। मेरी तरफ देखो। हाँ, अब कैसा लग रहा है? इस बुजदिल को कैफेटेरिया ले चलो। चलो 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 यहां से। चलो जल्दी तंदूर चालू करो, चलो। हाँ, और मारो इसे। अब इसे उठाकर तंदूर में फेंक दो। क्या तुम इसे पकाना चाहते हो? कॉर्टेज ने एंजल को मारा, मैं नहीं। छोड़ो मुझे, सीधे खड़े रहो। शांत हो जाओ, जाने दो इसे। बहुत मारूंगा तुम्हें। शांत। छोड़ो भी जेटी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम जानते हो मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताने वाला हूँ, पर क्या ये अपना मुंह बंद रखेंगे? तुम्हें लगता है कि इनमें से एक भी अपना मुंह नहीं खोलेगा? तुम कहना क्या चाहते हो ट्विच? मेरा कहने का सीधा सा मतलब है दोस्त कि हम इसे मार तो देंगे, पर क्या तुम लोग अपना मुंह बंद रखोगे? क्या किसी को पता नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अपना मुंह कभी नहीं खोलोगे? तो ठीक है, मार दो इसे। इसके बारे में अगर कोई मुंह खोलेगा तो वो तुम होगे। ट्विच, अब मेरे सामने से हट जाओ। कैफेटेरिया के मेनू में बर्क को जो शामिल करना है। धक्का मत दो। मुझे दुख है बर्क, तुम्हें अपने बेटी को बचाने तक का मौका नहीं मिला। ओ, तुम जानते नहीं हो। इस बेवकूफ को यह पता नहीं कि इसकी बेटी कॉर्टेस के पास बंदी है। कॉर्टेस तुम्हारी बेटी को अपनी ढाल बनाकर यहां से बाहर निकलेगा। मारो इसे। हाँ हाँ, अब तुम्हारे बाद कॉर्टेस की बारी है। छोड़ो 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 इसे बस, चलो हमें यहां से निकलना है। चलो चलो छोड़ो इसे, चलो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं कॉर्टेस के पीछे जा रहा हूँ। कॉर्टेस के पीछे? उसके पास मेरी बेटी है। तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तुम पागल हो। हे बर्क, मेरे लिए रुको। वॉलेस, गवर्नर आ रहा है कि नहीं? उनसे तुम्हें क्या काम है? मैं गवर्नर बोल रहा हूँ, आधे घंटे में उधर पहुँच रहा हूँ। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले पूरी जेल को बंद कर दो। हम एक और मुश्किल में फंस गए हैं। कुछ और गार्ड्स मारे गए हैं। हमें दो कैदियों पर शक है और उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके उन्हें पकड़ लो, जिंदा या मुर्दा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से हालात काबू में करो, मैं बस वहाँ पहुँच ही रहा हूँ।
रुक जाओ बर्फ, रुक जाओ बर्फ, धक्का दो, रुको रुको मैं अंदर जाता हूँ। अब तुम आओ, आओ जल्दी, रुको मेरे पास एक तरकीब है। क्या? रुको, तुम्हें पता है मैं चोरियां करता था, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जरा जल्दी करो। तो तुम किस जुर्म में अंदर आए? चलो बता ही दो। नहीं बताऊंगा। हाँ मैं समझ गया, तुम चोर हो ना? क्या तुमने व्हाइट हाउस में चोरी की? जरा जल्दी करो। मैं नहीं खोलूंगा अपना। बताओ यहाँ किस लिए हो? मैं बेकसूर हूँ। ओहो सब लोग यही कहते हैं। तो सुनो, मेरे दोस्त ने चोरी की थी, मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता था। पुलिस को वो मेरे घर पर मिला पैसों से भरे बैग के साथ। बैग पैसों से भरा हुआ? हाँ, उसने अपने जुर्म में मुझे फंसा दिया ताकि उसे कम सजा मिले। मुझे 5 साल की सजा हुई। मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया और मेरी बेटी को अपने साथ ले गई। मेरी बेटी मेरी जान है, मुझे किसी और की परवाह नहीं है, किसी की नहीं। मैं भी धोखा खा चुका हूं दोस्त, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा मैं। हाँ देखते हैं। भागने की कोशिश कर रहा हूं, हमने बताया चाहे कुछ भी हो जाए। हो गया, जल्दी आओ, चलो इसे जल्दी बंद करो। तुम तेरे काम से, तुम क्या कर रहे हो? चलो वहां से जरा पीछे से जरा ढूंढो उसको। सब संभल कर रहना, कैदी काफी आक्रमक हो गए हैं, इसलिए बहुत विचार की जरूरत है। दरवाजा खोलो, सारे लोग चुपने हो जाओ, बहुत ही ध्यान से, कैदी बहुत खतरनाक है। हमने आधी जेल पर काबू पा लिया है, बस अब थोड़े समय की बात है। क्या क्वार्टर्स मिला अभी तक? नहीं, ये एक जेल है। वो आखिर छुप कहां सकता है? वो फरार होना चाहता है। अच्छा हुआ आप आ गए सर। अब क्या हुआ? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई सर। एलेक्स कॉटेज नाम के कैदी ने 2 विजिटर्स को बंधक बना के रखा है, वो दोनों लड़कियां हैं। क्या वॉलेस, ये सब कैसे हुआ? जब लड़ाई शुरू हुई तब कुछ रिश्तेदार कैदियों से मिलने आए हुए थे और उनके बाहर निकलने से पहले ही जेल को बंद कर दिया गया। ठीक है चलो अंदर चलते हैं, मुझे कॉटेज से बात करनी है। बग को ढूंढना ही होगा। ए, जितनी जल्दी तुम बग को ढूंढोगे उतनी जल्दी यहां से भागने का मौका मिलेगा। यहां के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बर्क बर्क, मेरी बात सुनो। कॉर्टेस कहां है? अगर तुम्हें कॉर्टेस चाहिए तो मेरे साथ चलो, मुझे पता है वो कहां मिलेगा। चलो, उस पर भरोसा मत करो। ये रास्ता हमें जेल के नीचे ले जाएगा और कॉर्टेस हमें वही मिलेगा। क्या कॉर्टेस वहां है? हाँ वही है। कहाँ ले जा रहे हो हमें? कहाँ ले जा रहे हो? कॉर्टेस के पास, मेरा भरोसा करो। तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि उस दगाबाज ने मुझे साफ ले जाने का वादा किया पर उसने धोखा दिया। अब तुम्हारी मदद लेकर मैं बदला लूंगा उससे। सुनो, मैं कोई बदला नहीं लेने वाला, मुझे सिर्फ अपनी बेटी वापस चाहिए। देखो मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ जरूर है। किसी और को इसके बारे में क्यों नहीं पता? क्योंकि इसके बारे में किसी और को मैंने बताया ही नहीं। ए रुबेरो, रुबेरो, नहीं। इट्स DW प्रेजेंट्स। मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जानते हो, जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं वार्डन से इनाम मांगूंगा। जब मुझे कॉर्टेस मिल जाएगा तो मैं उसकी गर्दन ही तोड़ दूंगा। प्लीज तुम ऐसा मत करना।
चुपचाप चलते रहो। चलो स्विच। रुक जाओ। तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दोगे और इस बार सच सच बोलना। कौन से सवाल? तुम इस जेल में क्यों आए ट्विच? मैंने ये तुम्हें पहले भी बताया है। ठीक है, बताता हूँ। वैसे भी मिलने वाला तो है नहीं। क्या नहीं मिलने वाला? सोना। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम यहाँ इसलिए आए ताकि यहाँ से फरार होकर सोना ढूंढने जा सको? 160 करोड़ की कीमत का सोना समझे तुम? बकवास रही है। क्या तुमने कभी लेस्टर मकेना के बारे में सुना? यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जेन मैकफियर्सन अभी अभी यहाँ न्यू एल्कैट्रेज़ पहुँची है। वो यहाँ पर लेस्टर मकेना की मौत की सजा के लिए आई है। वो मेरे साथ पुरानी जेल में था, समझे? उसने गवर्नमेंट का सोना चुराया था, बहुत सारे सोने के बिस्किट्स। मैकफियर्सन वो जज थी जिन्होंने मकेना को 200 करोड़ सोने के बिस्किट चुराने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई थी। उसे सिर्फ एक हिस्सा मिला था, बाकी का सोना दूसरी जगह पर छुपा दिया गया था। और सिर्फ दो लोग उसके बारे में जानते हैं, एक मैं हूँ और दूसरा यूबर्ट जो अभी भी पुरानी जेल में है। एक महीने में यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ। अभी एजेंट सर अब तक यहाँ कर मुझसे सोने के बारे में पूछते हैं, वादा करते हैं कि मेरी सजा कटा देंगे। कमाल की बात तो ये है कि मैकेना ने पकड़े जाने से पहले 200 करोड़ के सोने के बिस्किट्स कहीं पर छुपा दिए। पिछले 17 साल से FBI एजेंसी सोने की पूरे देश में तलाश कर रही है, पर लगता है ये राज भी हमेशा के लिए मैकेना के साथ दफन हो जाएगा। मैं रॉक्सन लॉन्ग, न्यू एल्कैट्रेज़ जेल, सैन फ्रांसिस्को से। उसने मरने से पहले सिर्फ हम दोनों को ही बताया था। सोना कहाँ है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्या मैंने कहा कि मुझे तुम्हारा सोना चाहिए? छोड़ो भी बात, तुम इतने सीधे भी नहीं हो कि इतने सारे सोने को हाथ से जाने दो। इतना सारा सोना देखकर तो तुम क्या, किसी की भी नियत खराब हो सकती है। देखो, हमें मौत की सजा नहीं दी गई है, जब हम रिहा होंगे तो साथ जाकर सोना ढूंढ निकालेंगे। रुको, जरा रुको, थोड़ा रुको, मुझे कुछ याद आ गया है। कॉर्टेज कहाँ होगा? हाँ, मुझे पता है कॉर्टेज कहाँ होगा। लाइन वन पर कॉर्टेज है साहब। हे वॉलेस, गवर्नर पहुंचा कि नहीं? हाँ, बोलो। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मुझे लड़कियों से बात करने दो। नहीं करने दूंगा। तो पता कैसे चलेगा कि वो जिंदा है भी या नहीं? मुझ पर भरोसा करो। तुम हेलीकॉप्टर लेकर आयो? हाँ, सुनो, हम तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर रहे हैं। बकवास मत करो, मुझे गवर्नर का हेलीकॉप्टर चाहिए। 10 मिनट के अंदर अंदर चाहिए, समझे? कोई चालाकी मत करना, तुम्हें पता है वरना मैं क्या कर सकता हूँ। क्या FBI के एजेंट्स आ रहे हैं उन्हें रिहा करवा? वो उन्हें भूल जाओ, कॉर्टेज अब बात करना नहीं चाहता, उसे हेलीकॉप्टर भेज दो फिलहाल। एक मिनट, क्या आप चाहते हैं कि खूनी फरार हो जाए? और क्या करें, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। एक बार फिर से उससे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है और हमें उन लड़कियों को बचाना है। पर हमें ये नहीं पता कि कॉर्टेज ने उन्हें कहाँ छुपाया। अपने कैमरा रिकॉर्डर से पता करो वो लोग कौन है। वो कैदी बर्क है, दूसरा नया कैदी है जो न्यू अल्कट्रा से आया है। एक लड़की बर्क की बेटी है और दूसरी लड़की नए कैदी की मंगेतर है। लगता है ये दोनों उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों? ये तो एनएक्स की तरफ जा रहे हैं। एनएक्स? 10 ऑफिसर्स अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट्स लेकर जल्दी मेरे साथ आओ। ये एनएक्स क्या है? मौत का कमरा। रुको, कभी कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। ओके। चाबी मिल गई, चलो हटो, दूर हटो। डैड, शांत रहो। ये सब क्या हो रहा है?
ये बेटी है तुम्हारी। और ये तुम्हारी मंगेतर है। नहीं नहीं कॉर्टेज, ऐसा मत करना। इन्हें जाने दो कॉर्टेज। तुम अपने आप को समझते क्या हो? यहां से दफा हो जाओ। मैं इनके सहारे यहां से निकलूंगा। यहां से भागने का एक और रास्ता है, उस रास्ते से निकल जाओ वरना फंस जाओगे। तुम यहां से निकल जाओ, समझे? वरना क्या करोगे? डैड। डरो मत इले। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। देखो, अगर तुम्हें बंदी चाहिए तो मुझे ले लो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। बकवास बंद करो, तुम मेरे काम नहीं आओगे, तुम्हारी मंगेतर मेरे काम आएगी। मुझे पता है 160 करोड़ का सोना कहाँ है। इन दोनों को छोड़ दो, मैं तुम्हें सोने का पता बता दूंगा। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें पता बता दूंगा, चाहो तो मैं तुम्हें नक्शा बनाकर दे सकता हूँ। तुम एक कैदी हो और मैं एक कैदी की बात पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो, समझे? जब मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा तब इन्हें छोड़ने के बारे में सोचूंगा। अब तुम दोनों जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। ऐसा नहीं हो सकता कॉर्टेस, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। चलो। चलते रहो इस तरफ। चलो। तुम यहां से नहीं जा सकते। मेरे सामने से हट जाओ। चलो अंदर चलो। बेवकूफ, हटो। चलो जल्दी अंदर चलो। तुम्हें लोगों को खिड़की से बाहर फेंकना बहुत अच्छा लगता है ना? चलो अंदर। दिल करता है तुम्हें अभी गोली मार दूं, पर पहले मैं तुम्हें तड़पाऊंगा फिर गोली मारूंगा। तुम ठीक हो दोस्त? हाँ मैं ठीक हूँ। एरिक, कॉटेज को जेल के अंदर बंद कर दो, चल दे। यस सर। अब बात करो। क्या सब कुछ ठीक है?
तुम दोनों ने जो किया उसके लिए तुम्हें काल कोठरी में डाल देना चाहिए। बल्क, ट्विच, चलो अंदर, जल्दी चलो। डैड, चलो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। ठीक है, आई लव यू। आई लव यू। मैं बहुत जल्दी छूटने वाला हूं, तुम मेरा इंतजार करना। हमेशा करती हूं। चलो। चलिए। मैंने जो भी कहा वो सच है, चाहो तो वार्डन से पूछ लो। मैं इस बात का गवाह हूं कि कैदी बर्नार्ड वॉशिंगटन ने लड़ाई रोकने की कोशिश की थी, और ये उन दो लोगों में से एक है जिसने लड़कियों को बचाया। दूसरा आदमी बर्क है, हम दोनों ने मिलकर उन्हें बचाया था। ये तुम्हारी रिहाई की सुनवाई है ट्विच, न कि मिस्टर बर्क की। मुझे ये बात पता है, मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा था कि जब बर्क की सुनवाई हो तो इस बात पर गौर किया जाए। सही कह रहा है। हमने तुम्हारी बहादुरी के बारे में वार्डन वॉलेस से सुना है, और ये भी जानते हैं कि तुम न्यू एल्केट्रास जेल में काफी सजा काट चुके हो। लेकिन तुमने कुछ नियम भी तोड़े हैं दोस्त। इसके बावजूद भी तुम्हें रिहा किया जाता है। तुम सच कह रहे हो? शुक्रिया, शुक्रिया। कंग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मुबारक हो ट्विच। शुक्रिया। गुड लक। शुक्रिया। अब दोबारा चोरी मत करना। जी बिल्कुल नहीं करूंगा। बर्नार्ड, बर्नार्ड, ये क्या है? तुम क्या कर रहे हो? देखो मैं और सब्र नहीं कर सकती बर्नार्ड। तुम्हें सोना मिला कि नहीं? मेरी थोड़ी मदद करो। ये तो सिर्फ एक बॉक्स है बर्नार्ड। या तो चुप रहो या फिर मेरी मदद करो। मदद करूं? तुम खुद ही इसे निकाल लो। इसे पकड़ो। रेडी? बर्नार्ड, बिस्किट, सोने के इतने सारे, ये तो कमाल हो गया बर्नार्ड। हम अमीर हो गए बेबी, हम अमीर हो गए बेबी, हम अमीर हो गए। तुमने कर दिखाया अमीर। अमीर बन गए? अमीर हो गए हम। क्या? देखो इसे हमें यहाँ से ले जाना है। कितना सारा सोना है? हाँ मुझे अपना सोना तो देखने दो। ओ तुम्हारा सोना है ये? हाँ ये मेरा सोना देखो, है। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। जल्दी से सोना गाड़ी में लेकर आओ। देखो जब तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी थी तो तुम यहाँ आई क्यों? मुंह बंद करो और चुपचाप काम करो। तुम जेल में बच्चों की तरह रो रही थी तब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी ताकि तुम इधर आकर मेरी मदद करो। इधर आओ अभी। It's DW Presents। वाह क्या स्टाइल है। शुक्रिया, ये मेरा नया स्टाइल है। और मेरी बात सुनो, ये रख लो, इन पैसों को ना तो अपनी माँ को देना और ना अपने पिता को, ना ही ड्रग्स खरीदना इनसे। अब जाओ तो मजे करो। Hey, कैसे हो तुम? Hey, बर्क। शरीश, क्या हो रहा है? मैं सही हूँ दोस्त, तुम बताओ। क्या मैं तुम्हें पहले से अलग नहीं दिखाई दे रहा हूँ? हाँ सच कहूँ तो पहले से भी ज्यादा बदसूरत दिख रहे हो तुम। ये कोई मजाक नहीं था, क्यों हंस रही हो? खैर अगर 80 करोड़ से मैं बदसूरत लग रहा हूँ तो तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ 80? वैसे तो ज्यादा था लेकिन हमने बाकी का 80 करोड़ दूसरे अकाउंट में रख दिया। तुम्हारे लिए? क्या मेरे लिए? हाँ पर मैं नहीं देना चाहता। झूठ मत बोलो, तुमने ही देने को कहा था। सोना मेरे लिए 80 करोड़? जरा धीरे बोलो वरना ये लोग समझेंगे कि मैंने फिर से चोरी की, और ये बात तुम किसी को बताना मत। मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। एहसान मंद तो हम हैं तुम्हारे बर्क। तुम थोड़े से पैसे जरूर बचाना समझे, तुम्हारी तो एक प्यारी सी बेटी है, कॉलेज के लिए काफी पैसे लगते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूंगा। यहाँ तुम आराम से तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शरीर, कोर्टेस को ट्रांसफर कर दिया। उसके साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, उसका दिमाग शायद ठीक नहीं था, शायद वो पागल था। पर मेरी बात सुनो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को जाकर यहाँ ले आऊँ ताकि वो तुम्हारे साथ क्रिसमस मना सके? बर्नार्ड, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है।
ओ, कैसी तकलीफ दोस्त, वैसे भी मिसोरी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है तो हम फर्स्ट क्लास में ही जाएंगे। लेकिन तुम जानते हो इस साल हम मम्मा के साथ होंगे क्रिसमस पर। देखो इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि क्रिसमस यहीं पर मनाना बहुत अच्छा होगा। हा? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो मेरी मम्मा के बारे में? पर हमने इससे कहा है कि हम इसकी बेटी को इससे मिलवाएंगे तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं, क्रिसमस पर नहीं, तुम अपने आप को क्या समझते हो? और अरे क्या तुमने बकवास लगा रखी है? मैंने तुमसे देखो, कितनी बात कहा है, इस तरह बात कुछ बोलो बर, तुम समझा बर, किसी की देखो हमेशा मुझसे तुम ही थे जो हमेशा लड़ती रहती है। अब ये कोई तरीका हुआ है? बेकार हाथ। अरे हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो बात करना भी नहीं आता है। मैं तुम्हारे पे बकवास नहीं सुनना चाहता। अब तुम चुप हो जाओ। नहीं चुप होगी where I'm going, ain't the best way to be, but the streets are all I know, and I'ma be in street heaven when it's time to go. Oh, you think it's a game? Don't believe the hype. You could call me a criminal, but I'm a thug for life. So before you try to judge me and say that I'm wrong, take a second to just listen to the words of this song. It's easier said than done over here where I'm from, so they hold us down and lock us up and shoot if we run. Can you hear me? Can you hear me? I'm trying to find a way, trying to get my control on my case. Hear me? Said it ain't that easy, nothing's guaranteed, so I'm living day by day. Can you hear me? I'm trying to find a way, trying to get my control of my case. Hear me? Said it ain't that easy, nothing's guaranteed, so I'm living day by day. I keep trying to explain, but they just don't understand. I done been through it all, trying to be a changed man. When all that's fair, it's only one way to go, so I turn back to hustling, cause it's all I know. All I breathe, matter of fact, I eat and sleep it. And every night I pray to God my soul to keep it, cause I'm living my life not knowing what's ahead, so I gotta get my bread to keep my family fed. Y'all, I'm praying for help, cause I'm to the point now where I can't even trust myself. Oh, you think it's a game? Man, I'm trying to survive, yo, just until 5-0 coming knocking on my front door, pouring me down, putting locks on my wrist. I'm asking questions and they answer with fists. Then it's back to the cell, dressing orange cloth, but you can trust when I pray I'm picking up where I left off. Can you hear me? I'm trying to find a way, trying to get my control of my case. Hear me? Said it ain't that easy, nothing's guaranteed, so I'm living day by day. Can you hear me? I'm trying to find a way, trying to get my control of my case. Can you hear me? Said it ain't that easy, nothing's guaranteed, so I'm living day by day. I can't trust nobody, cause I'm getting money till the day they find me. I'ma be hustling, hustling. I can't trust nobody, cause I'm getting money till the day I'm on a passenger side. I used to stand on the block, now I'm the dude that provides. Almost died in the hood, now I'm trying to survive. Been hustling since the jet, now they wanna know why. I was raised in the streets, falling in the heat. I'm thugging and hustling cause I'm too young to sleep. I gotta get my green, homie, even if it ain't right. It's the only way or else I won't be eating tonight. I got no regrets, cause my life is a movie. Money, cars, clothes, a bunch of groupies and hoochies. They tell me they in love with me, and they say I'm the best. Screaming for me, like I got an F on my chest. Who cares about the rest? Man, I'm doing my thing. Trying to survive in the hood, but I'm still pushing the range. If I put my stamp on it, you can bet your life on it. Something that they can handle, but trust me, they don't really want it. Y'all ain't never seen the boss, you gotta get right. Get on your job when I step up on the street. I'ma shut it down, flip it, get my car, survive. Think you know me, buddy, really don't know I'm a survivor. You ain't never seen a boss like that. You got a problem if I hear you talk to me. Real talk, little buddy, I'm ahead of mine. Playing with me, man, you playing with me. Yeah, all about them stories that you heard in the first grade. Cause I can guarantee that had I been on the first page, you be having nightmares even after the 12th grade. And I ain't a tooth fairy, so let's just put it that way. I do this for fun, it's like breathing to me. And my dough is all you should be feeding to me. Believe me, homie, you don't even wanna test it. I'm in the salty, I seen the Texas get a rush. I'm on a news and television even more than a summer. I could've been your daddy, but I cheated on your mama. Heartbroken, but hey, what can I say? I'm a pimp by blood, I kinda like it that way. I don't take orders, I only answer to God. I'm glad he know my heart, cause sometimes it gets hard. So until he calls for me, y'all, the streets are my home. And I'ma do what I please, no matter who thinks it's wrong.
heard y'all ain't never seen the boss. Not again, right? Get on your job when I step up on the scene. I'ma shut it down and flip it when I come to you. Think you love me, but it really don't feel the same. You ain't never seen a boss like that. Hey, I don't think y'all got a point yet. I'm trying to tell you, don't nobody got nothing on me. Buddy, real talk right here, y'all. Hey, ain't got nothing on me. The 5-0, ain't got nothing on me. King Kong, ain't got nothing on me. Hey, nobody, ain't got nothing on me. Streets, ain't got nothing on me. The gangsters, ain't got nothing on me. The fake thug, ain't got nothing. Hey, you better believe it, they ain't got nothing on me. FBI, ain't got nothing. CIA, ain't got nothing. The boogeyman, ain't got nothing on me. I'm trying to tell y'all for real, they ain't got nothing on me. Your pops, ain't got nothing. Your mom ain't got nothing. Secret services ain't got nothing. Please believe me, man. They ain't got nothing. Y'all ain't never seen a boss like me. Get on your job when I step up on the scene. I'ma shut it down and flip it when I come to you. Think you love me, but it really don't feel the same. You ain't never seen a boss like me. We got a problem if I hear talk to you. Real talk, little buddy, I'ma head of mine. Playing with me,